गाइस चंद्रयान 3 के साउथ पोल और आदित्य L1 के बाद अब भारत ने एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी ने ट्विटर यानी एक्स के माध्यम से बताया कि भारत की पहली सबसे बड़ी इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि स्वदेशी काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट नंबर 3 फुल कैपेसिटी के साथ शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेवलप क्यों जरूरी है, भारत इस पावर प्लांट के मदद से किन किन गोल को अचीव कर सकता है, क्या इसी रिन्यूएबल एनर्जी को हम सऊदी अरेबिया को देने वाले हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स, मैं हूं विकास। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर किसी देश को विकसित होना है तो उसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए देश में एनर्जी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरी दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भाग रही है और भारत भी लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है। आने वाले टाइम में ग्लोबल पावर बनने के लिए हमें इकोनॉमिक और एनर्जी पावर के ग्राफ को स्पीड करना होगा। इसके साथ साथ हमें दुनिया को ये भी बताना होगा कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल पावर रिएक्शन है। हम दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम हर देश के एनर्जी के नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब आप कहिएगा कि कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, भारत इतना डेवलप कंट्री तो है नहीं कि हर देश के एनर्जी की नीड को फुलफिल करे। तो गाइस हाल में ही आपने देखा कि G20 के बाद हमने सऊदी अरब के साथ एक बड़ा डील किया जिसके तहत हम सऊदी अरब को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी देंगे और बदले में ऑयल लेंगे। आप सोच सकते हैं गाइस कि जो देश खुद एनर्जी का भंडार है वो आज भारत को बोल रहा है कि हमें आपसे एनर्जी चाहिए आने वाले टाइम में। सऊदी अरब जहाँ पर एनर्जी का भंडार है वो भारत से डील कर रहा है कि आप हमें रिन्यूएबल एनर्जी दीजिएगा। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम में ऑयल खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। इसलिए सऊदी अरबिया ने भारत के साथ एनर्जी ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप डील की जिसमें हम गुजरात से रिन्यूएबल एनर्जी को सऊदी अरब तक ट्रांसफर करेंगे और बदले में पेट्रोलियम ऑयल लेंगे। ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करना होगा ताकि हम अपने खुद के और पड़ोसी देश के साथ साथ अदर कंट्री के एनर्जी के डिमांड को भी पूरा कर सकें। और गाइस भारत इसमें जुट चुका है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा स्रोत है और गुजरात का काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट देश के एनर्जी नीड्स को सेल्फ सफिशियंस बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट सवाल आता है हाउ, कैसे। तो गाइस क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम का यूज किया जाता है और एक छोटी सी यूरेनियम बॉल से अप्रोक्स 1 टन कोयले या 149 गैलन ऑयल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आप सोच सकते हैं गाइस कि 1 टन कोयला जलाने के बाद जितना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, जितना ऊर्जा मिलेगा, उतना एनर्जी सिर्फ एक छोटी सी यूरेनियम बॉल से मिल सकता है। लेकिन गाइस न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही खतरनाक होता है। आपने न्यूक्लियर बम का नाम सुना होगा, दिस इज वेरी डेंजरस। लेकिन अगर इसका हम सही से इस्तेमाल करते हैं तो हम जीरो कार्बन इमिशन का गोल अचीव कर पाएंगे। गाइस आपको पता होगा कि 1 टन कोयले को जलाने में कई केजी कार्बन इमिशन होता है लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर से 0 कार्बन इमिशन होता है, मतलब कार्बन इमिशन होता ही नहीं है। यानी कि ये एक क्लीन एनर्जी है जिसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर नहीं पड़ेगा, अर्थात ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसलिए बताया जा रहा है कि काकरा पार एटॉमिक स्टेशन भारत को 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन के गोल को अचीव करने में पूरी मदद करेगा। गाइस काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के मांडवी डिस्ट्रिक्ट के तापी नदी के किनारे स्थित है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ईयर 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसे 2 फेज में बनाया गया है। पहले फेज की शुरुआत 1992 में हुई थी। 1995 में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेकेंड यूनिट को तैयार किया गया। इसके बाद यहाँ पर 2220 मेगावाट की एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ लेकिन 2015-16 में कुछ लीकेज इश्यूज की वजह से फेज 1 को शट डाउन कर दिया गया। KAPS जो कि फेज 1 का हिस्सा है ये बंद हो चुका था लेकिन जब इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो दोबारा इसे 2019 में स्टार्ट किया गया। फेज 2 में KAPS-3 और KAPS-4 पर काम स्टार्ट हुआ जिसे 2018 तक कंप्लीट करना था लेकिन स्लो डिलीवरी और डिजाइन इशू की वजह से ये प्रोजेक्ट लगातार डिले होता रहा। लेकिन फाइनली 31 अगस्त 2023 को KAPS के यूनिट 3 को चालू कर दिया गया। वही बताया जा रहा है कि फेज 2 के KAPS-4 को मार्च 2024 तक चालू कर दिया जाएगा। हमारे साइंटिस्ट ने KAPS-4 में हीट रिमूवल और ओवर पावर प्रोटेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव किया है जिसके मदद से किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसे रोका जा सकेगा। KAPS-3 के चालू होने से पहले भारत में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट थे। इसमें 18 रिएक्टर PHWR रिएक्टर है, 2 रिएक्टर PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है और 2 रिएक्टर BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है।
KAPS-3 के चालू होने के बाद भारत में 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए हैं और इन सब की कॉम्बाइन कैपेसिटी 7480 मेगावाट है। KAPS-3 इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए खास है क्योंकि इसे NPCIL भारतीय कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। इसके पहले भारत में जो भी प्लांट था उसे दूसरे कंट्री के सहयोग से बनाया गया था। गाइस, भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। कनाडा और USA से नेचुरल यूरेनियम आता था जिससे कि एनर्जी बनाया जाता था। कनाडा और USA को लगता था कि भारत जैसे बैकवर्ड कंट्री जो सिर्फ यूरेनियम का यूज एनर्जी बनाने में करेंगे, लेकिन भारत ने 1974 में इस नेचुरल यूरेनियम का यूज करके हमने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं। इसके बाद कनाडा ने हमें यूरेनियम देना बंद कर दिया, लेकिन तब तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत में आ चुकी थी और हमारे साइंटिस्टों ने इस पर स्टडी करके खुद का 700 मेगावाट की क्षमता वाला PHWR न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर लिया, जिसके चलते अब भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है और यही कारण है कि इसे एक माइलस्टोन बताया जा रहा है। और हमारे साइंटिस्ट काकरा पार न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बेस बनाकर देश भर में कई और रिएक्टर को डेवलप करेंगे जो आने वाले टाइम में भारत को क्लीन एनर्जी का भंडार बनाएगा। तो गाइस, ये थी भारत के स्वदेशी काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट की पूरी जानकारी। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है दुनिया के एनर्जी नीड के डिमांड को पूरा कर पाएगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।